दोस्तों वेलकम टू टॉप मस्ट। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। लखनऊ के ACGM कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। कहा जा रहा है कि डांस का कार्यक्रम कैंसिल करके और टिकट का पैसा न लौटाने के 4 साल पुराने केस में अदालत में गैर हाजिर रहने पर ये वारंट जारी किया गया है। बता दें कि अभी हाल ही में इस केस की सुनवाई हुई थी, लेकिन हरियाणवी डांसर सपना चौधरी इसमें मौजूद नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। सपना के खिलाफ ये मामला साल 2018 का है। 13 अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी के खिलाफ आशियाना थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लखनऊ में स्मृति उपवन में सपना चौधरी का एक डांस कार्यक्रम होना था, जिसकी कई हजार टिकट भी बिक चुके थे। सपना चौधरी को एडवांस रकम भी दे दी गई थी, लेकिन सपना चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। आरोप लगे कि सपना ने इस प्रोग्राम के लिए जो पैसे भी लिए थे वो ऑर्गेनाइजर्स को वापस नहीं लौटाए। आपको बता दें कि सपना की तरफ से अदालत में अभी तक हाजिरी माफी की अर्जी भी नहीं दी गई है, जबकि अन्य अभियुक्तों की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी भी दी गई थी। इससे पहले कोर्ट ने हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया था। कोर्ट 20,000 के 2 मुचलके और इतने ही राशि के निजी मुचलके पर जमानत को मंजूरी दे दी थी। बता दें कि सपना चौधरी के इन दिनों एक के बाद एक लगातार कई सॉन्ग रिलीज हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहने वाली सपना चौधरी इंस्टाग्राम पर अपने हर गाने और अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट देती हैं। लेकिन दोस्तों, ये देश का कोर्ट है, यहाँ पर सारे लोग समान दृष्टि से देखे जाते हैं, चाहे वो सपना चौधरी हो या फिर सलमान खान हो या फिर आप या हम में से कोई। जो भी अदालत का सम्मान नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उसे कोई बचा भी नहीं सकता। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।